हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अरबिनोज ओपरोन के बारे में। अरबिनोज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका अरबिनोज ओपरोन का स्ट्रक्चरल, आपका स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, रेगुलेटरी जीन क्या होता है, रेगुलेटरी एलिमेंट क्या होता है, किन कंडीशन में स्विच ऑन होता है एंड किन कंडीशन में स्विच ऑफ होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बात हम पढ़ेंगे। दूसरी बात ये याद रख लेना कि हम बात कर रहे हैं इकोलाई के अंदर, हम जो अरबिनोज ओपरोन को पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे इकोलाई के अंदर। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। अब अगर इतनी बात याद रख ली है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका कि अरबिनोज होता क्या है, ठीक है ना। अरबिनोज होता क्या है, ये आपका कैसा सब्सट्रेट है, तो याद रख लेना अरबिनोज एक प्रकार की आपकी मोनोसैकेराइड शुगर है। क्या है? मोनोसैकेराइड शुगर है। लिखना मना है क्योंकि आपकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं भी मिला तो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेना वी स्टार एजुकेशन, एंड जिस डेट में ये अपलोड हो रहा है उसी डेट में आपको जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है, यानी कि चैनल पे जा करके। दूसरी बात यह है कि भाई साहब, ये जितना मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इनकी लॉन्ग फॉर्म में आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए आइए बैक होते हैं आपके अरबिनोज पे। तो अरबिनोज क्या होता है? अरबिनोज आपकी एक मोनोसैकेराइड शुगर होती है, ठीक ना। अरबिनोज आपकी एक मोनोसैकेराइड शुगर होती है। एंड गाइज, मैंने आपको बताया था जितनी भी आपकी मोनोसैकेराइड शुगर होती है, या तो इनके अंदर कीटो ग्रुप पाया जाएगा या फिर इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका अरबिनोज होता है इसके अंदर आपका एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, यानी कि CHO, इसको एल्डिहाइड बोल देते हैं, CHO ग्रुप पाया जाता है। अब बात आती है कि जो आपका अरबिनोज होता है ये आपका मोनोसैकेराइड है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कितने होते हैं, कार्बन नंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है 5 कार्बन आपके पाए जाते हैं, यानी कि ये पेंटोज शुगर है। ये कैसी है? ये आपकी एक प्रकार की पेंटोज शुगर है। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है अगर ये पेंटोज शुगर है। अब यहाँ पर इसके लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसके लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है। आपने जितनी भी शुगर अभी तक देखी होंगी नेचर के अंदर, वे सारी की सारी शुगर डी फॉर्म में होती है, वे सारी की सारी शुगर डी फॉर्म में होती है। एंड जो डी फॉर्म में होती है वे इजिली डाइजेस्टिबल होती है, वे इजिली डाइजेस्टिबल होती है। देखो भाई साहब, अल्टीमेटली जो हम शुगर का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हम शुगर का यूज करते हैं, शुगर का यूज हम क्यों करते हैं या फिर इकोलाई क्यों कर रहा है, उसको चाहिए ATP, उसको चाहिए ATP। एंड जब शुगर से ATP लेना होगा तो इसके लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाना पड़ेगा। एंड ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है इसके लिए आपको या तो 6 कार्बन होने चाहिए आपके पास या फिर आपके पास 3 कार्बन होने चाहिए, तभी आप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कार्बन नंबर भी 5 आपके पाए जा रहे हैं। एंड दूसरी बात क्या है कि जो आपका अरबिनोज है, अरबिनोज का आपका जो है वो किस प्रकार का नेचर है, तो वो एल फॉर्म यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर आपकी एल फॉर्म पाई जाती है। तो अब अरबिनोज का जो है, देखो भाई साहब, अब कंडीशन ये आ जाती है, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ सेल के अंदर। मान लो ये आपका इकोलाई है, इस इकोलाई के पास अब जो है शुगर बिल्कुल भी नहीं है, शुगर जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। शुगर कौन सी वाली शुगर? जो आपका ग्लूकोज शुगर है, वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मीडिया के अंदर अरबिनोज प्रेजेंट है, मीडिया के अंदर आपका अरबिनोज प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, अरबिनोज को अपने अंदर ले लेगा। एंड लेने के बाद अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि एक तो ये एल फॉर्म में है, एल फॉर्म में है, दूसरी बात ये यहाँ पर इसके 5 कार्बन पाए जा रहे हैं, इसके 5 कार्बन पाए जा रहे हैं। तो अब इकोलाई क्या करेगा, इकोलाई इस अरबिनोज, जो आपकी एल फॉर्म अरबिनोज है, एल फॉर्म अरबिनोज को कन्वर्ट करेगा आपका किस में, तो वो करेगा डी फॉर्म, डी जाइलुलोज में, डी जाइलुलोज में कन्वर्ट करेगा। एंड इस डी जाइलुलोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं उनका रेगुलेशन ही हमें पढ़ना है एक्चुअल में, उसी को हम बोलेंगे आपका अरबिनोज ओपरोन, अरबिनोज ओपरोन मॉडल बोलेंगे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमें जो है जो जीन है, जीन का एक्सप्रेशन कब करवाना है, कब नहीं करवाना है।
यानी कि अगर सेल के अंदर अरेबिनोज जाएगा तो जीन का एक्सप्रेशन करवाना है, अगर अरेबिनोज नहीं होगा तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं करवाना है। एक कंडीशन और याद रखनी है, आपने जब लैक ओपरोन मॉडल पढ़ा, जब मैंने आपको लैक ओपरोन मॉडल पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कब स्टार्ट होगा, जब आपका ग्लूकोज नहीं होगा या फिर कुछ परसेंट में ग्लूकोज आपका पाया जा रहा होगा। लेकिन याद रख लेना, अरेबिनोज का जो आपका डाइजेशन होता है या फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये तभी स्टार्ट होता है जब मीडिया के अंदर ग्लूकोज का बिल्कुल ही डिप्लेशन हो जाए, यानी कि आपका जो है ग्लूकोज बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तब आपका अरेबिनोज का डाइजेशन होता है। एंड इसके डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, हमें क्या होता है एनर्जी मिलती है। अब वो कैसे कैसे मिलती है, तो देखो भाई साहब सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वो चीज सुनने की कोशिश कर लेना। मान लो आपका जो है एल अरेबिनोज था, इस एल अरेबिनोज को हमने कन्वर्ट कर दिया डी जाइलोज में, ठीक ना, हमने कन्वर्ट कर दिया आपका डी जाइलोज में। अब जब ये डी जाइलोज में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये डी जाइलोज से जो है आपका जो है एच एम पी पाथवे में चला जाएगा, एच एम पी पाथवे में चला जाएगा। एच एम पी पाथवे मतलब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। एंड ये आपका हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जो होता है, ये आपका जो है कुछ एंजाइम्स की सहायता से, जैसे कि ट्रांस एसिटिलेज एंड ट्रांस कीटोलेज, ठीक है ना, ट्रांस एसिटिलेज एंड ट्रांस कीटोलेज की सहायता से ये आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में चला जाएगा। ये आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में चला जाएगा। जो आपका एचएमपी होता है याद रख लेना, ये अगर आपका थ्री कार्बन यानी कि थ्री कार्बन में जा रहा है, तब आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड यानी कि जी थ्री पी में जो है डायरेक्ट जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। या फिर ये डायरेक्ट आपका जो है सिक्स कार्बन में चेंज हो जाएगा, ठीक ना, डायरेक्ट सिक्स कार्बन में चेंज हो जाएगा। एंड जैसे ही ये ग्लाइकोलाइसिस में आएगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसमें हम टीस एटीएस साइकिल पढ़ते हैं, एंड आपका एटीपी सिंथेसिस पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ से जो आपने जो इकोलाई है उसको क्या मिलेगी, एटीपी मिलने वाली है, ठीक ना, एटीपी आपकी मिलने वाली है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो जो हम ओपरोन मॉडल पढ़ते हैं, अरेबिनोज का ओपरोन मॉडल पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एल अरेबिनोज डी जाइलोज में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअल में अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूं तो ये डी जाइलोज फाइव फॉस्फेट होता है, डी जाइलोज फाइव फॉस्फेट होता है, जो कि इंटरमीडिएट होता है, याद रख लेना, इंटरमीडिएट होता है एचएमपी पाथवे में, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हमें इसी लेवल पे पढ़ना है कि यहाँ पर कितने एंजाइम्स बनेंगे, यानी कि कितने जीन हैं, उनका एक्सप्रेशन होगा तो आपका डी जाइलोज बनेगा, अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो डी जाइलोज नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको अब कुछ डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको जूम करोगे तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना। यहाँ पर जो है आपको एक ये आपका ट्रिपल पी, इसको या तो ट्रिपल पी पाथवे बोल देते हैं, ठीक ना, ट्रिपल पी पाथवे, या फिर इसको हम एच एम पी पाथवे बोल देते हैं, इसको हम एच एम पी पाथवे बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो जाइलोज फाइव फॉस्फेट मिलना है, यहाँ पर आपको जाइलोज फाइव फॉस्फेट मिल रहा है। ये आपको कब मिल रहा है, जब हम अरेबिनोज को, ठीक ना, जब हम आपका अरेबिनोज को क्या कर रहे हैं, अरेबिनोज को कन्वर्ट कर रहे हैं जाइलोज फाइव फॉस्फेट में, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये जाइलोज जो है या तो ये आपका सिक्स कार्बन के रूप में जा सकता है, या फिर आपका जो है थ्री कार्बन में भी जा सकता है, ठीक है ना। जहां पर अल्टीमेटिवली आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखने को मिलेगा, एंड ये ग्लाइकोलाइसिस आपका टीसीए साइकिल में जाएगा, जहां से आपको जो है एनर्जी यानी कि जो इकोलाई है वो आपका एनर्जी प्राप्त कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा अरेबिनोज के स्टेटमेंट पढ़ लो, क्योंकि स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ने ज्यादा जरूरी है कि अरेबिनोज इज एन एल्डो पेंटोज, यानी कि सी एच ओ ग्रुप पाया जाता है, पांच कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला एल्डो पेंटोज ए मोनोसेक्राइड्स कंटेनिंग फाइव कार्बन एटम एंड इंक्लूडिंग अन
एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा पाया जाता है आपका, आपका पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, एंड इसका नेचर कैसा है, पेंटोज मोनोसैकेराइड्स का नेचर है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, एल फॉर्म में ये आपका पाया जाता है। अब देखो आपका क्या है कि मोस्ट सैकेराइड्स आर ऑलवेज मोर एब्यूडेंट इन नेचर एज द डी फॉर्म। मोस्टली जो आपकी सैकेराइड्स होती हैं वो आपकी डी फॉर्म में पाई जाती है, बट ये आपका जो एल अरेबिनोज है ये आपका एल फॉर्म में पाया जा रहा है, ये आपका एल फॉर्म में आपका पाया जा रहा है। अगर हम अरेबिनोज टू अरेबिनोज हम जोड़ते हैं, अरेबिनोज टू अरेबिनोज जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका बीटा लिंकेज पाई जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैंने आपको ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स की बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसको आगे देखने की कोशिश करो, एल अरेबिनोज ओप्रोन, जो एल अरेबिनोज ओप्रोन होता है इसको हम अरेबिनोज बीएडी, ठीक है ना, यानी कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो आपका अरेबिनोज ओप्रोन होता है ए आर ए एंड वी ए डी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, तो देखो भाई साहब, जो इसका ए आर ए है इसकी फुल फॉर्म है आपका अरेबिनोज, इसकी फुल फॉर्म है अरेबिनोज, एंड ये आपको बी ए डी, ये जो आपको बी ए डी देखने को मिल रहा है एक्चुअल में ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन के नाम है, तो हम आगे बात करेंगे। हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच बायोमोलिकुलर रिसर्चर, द ओप्रोन डायरेक्ट द कैटाबोलिज्म ऑफ अरेबिनोज इन इकोलाई, ठीक है ना, यानी कि अरेबिनोज की कैटाबोलिज्म के लिए इकोलाई में जिन एंजाइम्स का यूज होता है वे आपके सिंथेसिस कराए जाते हैं अरेबिनोज ओप्रोन के थ्रू, एंड इट इज ए डायनामिकली एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अरेबिनोज एंड अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। आगे इस लाइन का क्या मतलब है हम आगे देखने वाले हैं, अभी ये लाइन आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखो अब बढ़ते हैं आपके आगे, ये आपको पता होगा कि डी फॉर्म एंड आपका एल फॉर्म में क्या अंतर होता है, ठीक है ना, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म में क्या अंतर होता है। अगर नहीं पता तो भाई साहब आपको कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल भी बता देता हूँ कि मान लो ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकेंड है, ये कार्बन थर्ड है, ये कार्बन फोर है, एंड ये आपका फिफ्थ है, तो ये बन जाती है अरेबिनोज, ये बन जाती है अरेबिनोज। अब हम इसको डी या फिर एल किस प्रकार से बोलेंगे, डी या फिर एल किस प्रकार से बोलेंगे, उस चीज को देखने की कोशिश करो। तो जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यानी कि OH ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन पे, जो आपका OH ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन पे, अगर ये लेफ्ट साइड में हो, अगर ये लेफ्ट साइड में हो तब इसको बोलते हैं डी फॉर्म, एंड अगर ये आपका जो है राइट साइड में हो तब इसको बोलते हैं हम एल फॉर्म, तब हम इसको बोलते हैं एल फॉर्म। ये सारे शुगर के लिए हम इसी प्रकार से इसको बोला जाता है, ठीक ना, सारे सारे जो है स्ट्रक्चर में इसी प्रकार से बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ अगर आपको नहीं भी चमक रहा तो भी कोई बात नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो आपका एल अरेबिनोज था जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में पाया जाता है यानी कि नेचर में पाया जाता, वो आपका एल फॉर्म में है, वो आपका एल फॉर्म में है, जिसको फर्दर कन्वर्ट करा जाता है, किसमें फर्दर कन्वर्ट करा जाता है आपका डी जाइलोज फिफ्थ फॉस्फेट में, डी जाइलोज फिफ्थ फॉस्फेट में आपका जो है कन्वर्ट करा जाता है, जहां पर आपको स्पेसिफिकली तीन एंजाइम्स की जरूरत होती है। कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत होती है हम आगे बात करेंगे। एंजाइम्स नंबर वन आपका यहाँ पर काम करेगा, वन यहाँ पर काम करेगा, सेकंड यहाँ पर काम करेगा, सॉरी वन यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, एंड थर्ड आपका यहाँ पर काम करने वाला है, ठीक है ना। तो आगे हम समझने वाले हैं, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब थोड़ा सा और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टेटमेंट अब तक मैं क्या करता हूँ यार, तब मेरी आप जितने भी पिछले लेक्चर देखोगे मैं आपको स्टेटमेंट कम पढ़ाता था, लेकिन वो मेरी गलत एक आदत थी।
स्टेट मैंने आपको समझा दिया है, अब स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपसे जो है स्टेटमेंट में ही पूछा जाता है। अब आपको स्टेटमेंट जरूर पढ़वाने हैं, ठीक है ना। अगर मैं नहीं पढ़ता कमेंट में आप बताओगे, क्योंकि मैं जो भी आपका यहाँ पर PDF लिखी हुई रहती है उसको स्किप कर देता हूँ, अपने आप समझाता हूँ एंड देन टाटा एंड बाय बाय बोल देता हूँ, जो कि एक गंदी आदत है मेरी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अपना फॉल्ट मैंने अभी अभी देखा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आपको जो मेरी कही हुई बात है वो इतनी याद नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट के थ्रू आपको जो है समझाता हुआ चलूंगा तो आपको याद आने वाली है। इसलिए अब मैं स्टेटमेंट आपके जरूर ही पढ़ा करूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपका अरेबिनोज ओप्रोन होता है, अरेबिनोज ओप्रोन अल्टरनेटिवली नेम इसका अरेबिनोज ओप्रोन होता है, यानी कि ARA ओप्रोन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ARABAD ओप्रोन भी बोल सकते हैं। तो तीनों नाम से हम कह सकते हैं इसको, या तो एल अरेबिनोज ओप्रोन, या फिर अरे ओप्रोन, या फिर आपका अरेबैड ओप्रोन, ठीक है ना। इज एन ओप्रोन रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ 5 कार्बन सुगर एल अरेबिनोज इन इकोलाई, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपको जो ये पेंटोज सुगर है, 5 कार्बन की सुगर है, इसको ब्रेक डाउन कराने के लिए इस ओप्रोन की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो द अरेबिनोज BAD ओप्रोन एनकोडेड 3 एंजाइम्स, ये आपके 3 एंजाइम्स कोड करता है, आर कलेक्टिवली कैटालाइज कन्वर्जन एल अरेबिनोज टू आपका डी जाइलोज 5th फॉस्फेट, यानी कि जो आपका अरेबिनोज बैड है यहाँ से आपके 3 एंजाइम्स कोड होते हैं, एंड ये 3 एंजाइम्स जो है ये एक्चुअल में कन्वर्ट कर देते हैं एल अरेबिनोज टू डी जाइलोज 5th फॉस्फेट में, डी जाइलोज 5th फॉस्फेट में ये आपके कन्वर्ट कर देते हैं। एंड ये जो आपका डीजाइलोज होता है ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का इंटरमीडिएट होता है, यानी कि PPP, या फिर इसको हम HMP पाथवे भी बोल सकते हैं, इसको हम HMP पाथवे भी बोल सकते हैं। एंड कैपेबल इकोलाई टू यूज प्लांट पेंटोज एल अरेबिनोज सोल सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। यहाँ पर याद रख लेना, ये आपका एक तो इकोलाई सेल में भी यूज होता है, एंड आपके कुछ प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल भी इस अरेबिनोज BAD ओप्रोन को परफॉर्म करती है, ठीक है ना। प्लांट सेल के अंदर भी ये ओप्रोन आपका पाया जाता है, ठीक है ना। अगर इतनी बात पता चली हो तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल जीन, के अरेबिनोज ओप्रोन का स्ट्रक्चरल जीन किस प्रकार से आपका जो है पाया जाता है, किस प्रकार से आपका पाया जाता है। आई होप आपको पता हो कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, रेगुलेटरी जीन क्या होता है, रेगुलेटरी एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो लैक ओप्रोन देखो, वहां पर मैंने आपको स्पेसिफिकली समझा रखा है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको लैक ओप्रोन पढ़ाया, फिर ट्रिप्टोफैन ओप्रोन पढ़ाया, देन आपको ये आपको मैं अरेबिनोज ओप्रोन पढ़ा रहा हूँ। तो एक कंटिन्यूटी में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। देखो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन की, स्ट्रक्चरल जीन वे होते हैं जो फर्दर ट्रांसक्राइब होते हैं, जो फर्दर ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, यानी कि अगर मैं इनको बनाना चाहूँ तो ये आपके होते हैं DAB, ठीक ना, DAB, या फिर उसको BAD बोलते हैं। ये आपकी 5th प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम एंड है, ठीक है ना। यानी कि ये आपका एक DNA, तो DNA के ऊपर प्रोकैरियोट्स में 3 जीन एक साथ रहते हैं, जिन जीन को हम बोलते हैं BAD, एक्चुअल में इनको ही बोला जाता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, इनको ही आपका बोला जाता है आपका स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है। अब इस स्ट्रक्चरल जीन जीन को क्या होता है, एक रेगुलेटरी एलिमेंट पाया जाता है, यानी कि इस स्ट्रक्चरल जीन का अपना एक प्रमोटर पाया जाता है, अपना एक प्रमोटर पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो भाई साहब, इस स्ट्रक्चर जीन का होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है आपको एक सिंगल mRNA मिलेगा। अब यहाँ पर सिंगल mRNA क्यों मिलता है वो बात भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। सिंगल mRNA मिलेगा, लेकिन इस पर 3 जीन है तो आपको 3 ओपन रीडिंग फ्रेम मिलेंगे, ठीक है ना। 3 ओपन रीडिंग फ्रेम आपको मिलने वाले हैं तीनों जीन के, ठीक है ना। तीनों जीन के आपको ओपन रीडिंग फ्रेम मिलेंगे। अब ये 3 जीन के जो आपके ओपन रीडिंग फ्रेम है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर वी को लेकर के चलूँ, यहाँ पर मैं आपको अगर बी को लेकर के चलूँ, तो याद रख लेना ये एक एंजाइम्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं
राइबोज, ठीक ना, एल राइबोलोज नाम का एंजाइम्स बनाता है। एल राइबोलोज नाम का आपका एंजाइम्स बनाता है। एक सेकेंड आप रुकने की कोशिश करो, ठीक ना। इसका पूरा नाम आपका एल राइबोलोज काइनेज इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। कभी कभी नाम याद नहीं आता तो ऐसी वरी करने की बात नहीं है। ये आपका बन रहा है बी जीन से। इसके बाद जो आपका ए जीन होता है, यहाँ पर ये आपका स्पेसिफिकली बनाता है एल अरेबिनोज आइसोमरेज नाम का एंजाइम्स बनाता है। जबकि आपका ORF3 ओपन रीडिंग फ्रेम 3 यानी कि जो डी जीन है, यहाँ पर क्या बनता है? तो यहाँ पर स्पेसिफिकली रिबुलोज, ठीक ना, याद रख लेना, रिबुलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज, ये आपका एपीमरेज, तो ये एंजाइम्स आपका बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीन एंजाइम्स बन के तैयार होते हैं, जो कि अल्टीमेटिवली क्या करते हैं, जिनका अल्टीमेटिवली फंक्शन होता है कि ये आपका जो है एल अरेबिनोज को कन्वर्ट करते हैं डी जाइलोज में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले एल अरेबिनोज आपका कन्वर्ट होता है किस में? आपका एल रिबुलोज में ये आपका कन्वर्ट होता है। जब ये आपका एल रिबुलोज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होता है याद रख लेना, यहाँ पर आपका जो ए ने एंजाइम्स बनाया यानी कि ये वाला एंजाइम्स एल अरेबिनोज आइसोमरेज एंजाइम्स बनाया है, ये एंजाइम्स यहाँ पर परफॉर्म करता है यानी कि वर्क करता है। अब आपको मिल जाएगा एल राइबुलोज आपको मिल गया है। एल राइबुलोज के बाद ये कन्वर्ट होता है आपका राइबुलोज, ठीक है ना, याद रख लेना, ये कन्वर्ट होगा आपका राइबुलोज राइबू राइबुलोज फाइव राइबुलोज फाइव फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फिफ्थ पोजीशन पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो गया है। एंड ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली जो काइनेज होता है, काइनेज की प्रॉपर्टी होती है या तो वो फॉस्फेट को ऐड कर दे या फिर फॉस्फेट को रिमूव कर दे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम्स यूज होने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो आपका एंजाइम्स यूज होगा स्पेसिफिकली ये बी वाला एंजाइम्स यहाँ पर यूज होने वाला है। तो ये एंजाइम आपका यहाँ पर यूज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब जब ये आपका यहाँ पर याद रख लेना एल राइबुलोज है यहाँ पर, अब ये बाद में फर्दर कन्वर्ट होता है, ये फर्दर कन्वर्ट कन्वर्ट होता है किस में? तो ये फर्दर कन्वर्ट होगा डी जाइलूलोज 5 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो एंजाइम्स काम करेगा, यहाँ पर एंजाइम्स काम करेगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज नाम का, यानी कि ये थर्ड वाला एंजाइम्स काम करने वाला है, थर्ड वाला एंजाइम्स काम करने वाला है। इस प्रकार से ये तीन एंजाइम्स ने मिलकर के आपका क्या बना दिया, एल अरेबिनोज से डी जाइलोलोज बना दिया, डी जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बना दिया। एंड ये जो आपका डी जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है, एक्चुअल में ये आपका जो है HMP पाथवे में चला जाएगा, जहां से फिर ये ट्रांस एसिटिलेज एंड ट्रांस कीटोलेज एंजाइम्स की सहायता से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में चला जाएगा, ठीक है ना। जिसको यहाँ पर ये समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। जो आपका बी जीन है एक्चुअल में इसने क्या बनाया, ये आपका बनाता है एल राइबुलोज काइनेज बनाता है। जो आपका ए जीन है ये बनाता है एल राइबुलोज आइसोमरेज, जबकि जो डी जीन है ये बनाता है आपका एल राइबुलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज, ठीक ना। तो ये तीन जीन बन रहे हैं,
जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि एल अरेबिनोज जो आपका एक्सटर्नल पाया जाता है वो आपका इंटरनल पाया जाएगा, ठीक ना। अब आपका जो है बैक्टीरिया उसको अपने अंदर ले लेगा बाय द हेल्प ऑफ परमिएज सिस्टम, ठीक है ना, परमिएज सिस्टम के थ्रू अंदर ले लेगा। एंड ये जो आपका एल अरेबिनोज है ये आपका एल राइबोज में कन्वर्ट होगा। एल राइबोज में जब ये कन्वर्ट होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक फोस्फेट ग्रुप का की जरूरत होगी, यानी कि यहाँ पर एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। एटीपी की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि एक फोस्फेट ग्रुप चाहिए होता है। एंड यहाँ पर जो स्पेसिफिकली एंजाइम्स काम करेगा वो काम करेगा रिबुलोज काइनेज नाम का, रिबुलोज काइनेज नाम का, जो कि कन्वर्ट कर देगा एल रिबुलोज को एल एल रिबुलोज 5-फॉस्फेट में, एल रिबुलोज 5-फॉस्फेट में। एंड देन यहाँ पर आपका एक एपी मरेज नाम का एंजाइम्स काम करेगा, जो इसको अल्टीमेटली डी जाइलोज 5-फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ये आपका जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है एचएमपी पाथवे का। एंड इस एचएमपी पाथवे से फिर आपके जो है दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है ट्रांस एसिटिलेज एंड दूसरा होता है ट्रांस कीटोलेज। उसकी सहायता से ये 3 कार्बन या फिर आपका 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां से फिर फर्दर ग्लाइकोलाइसिस होगी। एंड ग्लाइकोलाइसिस होगी तो अल्टीमेटिवली एटीपी मिल जाएगी। तो अल्टीमेटिवली आपको क्या मिलने वाली है, एटीपी मिलने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक आपने देखा कि स्ट्रक्चरल जीन क्या था। अब यहां पर इस स्ट्रक्चरल जीन के पास में ही इसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी जीन भी पाया जाता है। किस प्रकार से, तो भाई साहब उसकी भी रिप्रेजेंटेशन आप जो है देखने की कोशिश करो। सबसे पहले यहां पर हम बना लेते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जो कि आपका था डी ए बी, यानी कि बैड। इसके ही जो है डाउन अप स्ट्रीम में पाया जाता है प्रमोटर, ठीक है ना, ये आपका प्रमोटर है। अब बच्चे यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ऑपरेटर यहाँ पर मैंने क्यों नहीं बनाया, बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ऑपरेटर मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर गाइज आपका जो है ऑपरेटर जो होता है वो कोई एक ही जगह पर नहीं होता। अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी यहाँ पर जीन कौन सा होता है, तो याद रख लेना, उसको बोलते हैं हम ए आर ए सी। ये आपका रेगुलेटरी जीन है, यानी कि यहाँ पर अरेबी अरेबिलोज सी अरेबिनो सॉरी अरेबिनोज सी यहाँ पर आ जाता है, ठीक ना। एंड इसका अपना एक प्रमोटर होता है, इसका भी अपना एक प्रमोटर होता है गाइज, जो कि डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट होता है, जो कि डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट होता है। अभी तक आपने क्या देखा था कि जितने भी आपके लैकोप्रोन हो या फिर ट्रिप्टोफैन ओप्रोन हो, जो आपका प्रमोटर पाया जा रहा था वो आपका अपस्ट्रीम पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रमोटर पाया जा रहा है वो आपका डाउनस्ट्रीम प्रमोटर पाया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब स्पेसिफिकली जो अरेबिनोज सी जीन है यहाँ पर ये एक जो है अपने आप को ट्रांसक्राइब करेगा। ट्रांसक्राइब करने के बाद यहाँ पर भी ट्रिप्टोफैन ओप्रोन की तरह दो पॉलीपेप्टाइड बनेगी, यानी कि आपकी जो है डाइमर पॉलीपेप्टाइड बनेगी। लेकिन ये ट्रिप्टोफैन ओप्रोन की तरह ही ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगी। ये आपका अभी हम मैं आपको यहाँ पर एक्टिव या फिर इनएक्टिव नहीं बता रहा, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये क्या होता है कि जो आपकी ये बनी है, ये जो आपकी प्रोटीन बनी है, इसको हम ए आर यानी कि ए आर ए सी प्रोटीन, अरेबिनोज सी प्रोटीन के नाम से जानेंगे, अरेबिनोज सी प्रोटीन के नाम से जानेंगे। अभी हम इसको रिप्रेसर या फिर एक्टिवेटर नहीं बोलेंगे, जबकि हमने ट्रिप्टोफैन एंड लैकोप्रोन में डायरेक्ट रिप्रेसर टर्म का यूज किया था, ठीक है ना। चाहे वो लैक रिप्रेसर वहां पर बोला था, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर हमने बोला था, लेकिन हम यहाँ पर इसको रिप्रेसर नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई साहब ये एज ए एक्टिवेटर भी काम करती है, एज ए एक्टिवेटर भी काम करती है, एंड आपका एज ए रिप्रेसर भी काम करती है। अब इसको कुछ कंडीशन चाहिए होती है जिसके बेस पे ये एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर भी काम कर सकती है, ठीक है ना। अब देखो ये किस प्रकार से रिप्रेसर या एक्टिवेटर काम करती है, तो अब डिपेंड करता है ये आपकी जो RSC यानी कि अरेबिनोज सी प्रोटीन है, ये डीएनए के
ये डीएनए पे किस ऑपरेटर पे जा करके, यानी कि कौन सी बाइंडिंग साइट पे जा करके जुड़ रही हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस अरेबिनोज के कुछ रेगुलेटरी, याद रख लेना, अरेबिनोज ओप्रोन के कुछ रेगुलेटरी सेक्यून सेगमेंट पाए जाते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इस डीएनए के ऊपर ही, जो प्रेजेंट होते हैं इस डीएनए के ऊपर ही। तो आइए देख लेते हैं कि वे कौन कौन से डीएनए सेगमेंट होते हैं, यानी कि जहां पर आपका जो है बाइंडिंग साइट ऑफ अरेबिनोज सी प्रोटीन ऑन डीएनए, जहां पर जो है अरेबिनोज सी जा करके जो प्रोटीन बनी है ये जुड़ता है, ठीक ना, ये आपका जुड़ता है। तो याद रख लेना देयर आर थ्री बाइंडिंग साइट, यहां पर जो अरेबिनोज सी होता है तो इसकी तीन बाइंडिंग साइट होती है डीएनए पर, डीएनए सीक्वेंस पर तीन बाइंडिंग साइट्स होती है। पहली को बोलते हैं ए आर ए, ये एक्चुअल में स्मॉल है, ए आर ए ओ वन, ठीक ना, ऑपरेटर वन। दूसरा होता है आपका ए आर ए ऑपरेटर टू, ए आर ए ऑपरेटर वन, ए आर ए ऑपरेटर टू, एंड तीसरा होता है आपका ए आर ए आई, ठीक ना, ए आर ए आई। अगर मैं इस आई को आगे बढ़ाऊं तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है आपका आई वन, एक होता है आपका आई वन, दूसरा होता है आपका आई टू, दूसरा होता है आई टू। अगर मैं इनके फंक्शनल की बात करूं, अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं तो देखो भाई साहब, अगर अरेबिनोज सी प्रोटीन, अरेबिनोज सी प्रोटीन ऑपरेटर टू से आकर के बाइंड होती है, तब यहाँ पर जो स्विच ऑफ मिलेगा, यानी कि किसी भी जीन की सिंथेसिस नहीं होगी, नो एंजाइम सिंथेसिस। इसके बाद अगर जो ये आपका अरेबिनोज सी है, ये अगर आपका आई वन या फिर आई टू से आकर के जुड़ रहा है, तब यहाँ पर दो कंडीशन पाई जाती है, या तो ये एक्टिव हो सकता है या फिर ये रिप्रेसर की तरह भी काम कर सकता है। यहाँ पर जो है ये एज ए रिप्रेसर की तरह काम करेगा, यहाँ पर ये एज ए रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, इस बात को याद रख लेना। जबकि अगर मैं बात करूं अरेबिनोज ओ वन, जो आपका ऑपरेटर वन है, इसका कोई भी फंक्शन अभी तक नॉन हमें याद नहीं है, ना ही अभी तक डिस्कवर किया गया है, तो नो एनी फंक्शन। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो अब आइए ये जो आपके डीएनए सेगमेंट पे रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट्स पाई जा रही है, इनकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ पूरा का पूरा। अब ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, आपको कम से कम मन में तो याद होना ही चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन बना लेते हैं, जो कि कौन कौन से है, बी ए डी, ठीक ना, बी ए डी, ये हो गए आपके स्ट्रक्चरल जीन, इसके पास ही पाया जा रहा है प्रमोटर, रीजन। अब इस प्रमोटर रीजन से अपस्ट्रीम साइट में पाया जाता है आपका, सॉरी यहाँ पर मैं दोबारा से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपका पाया जाता है आई टू, यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर आई टू, फिर उसके अपस्ट्रीम पाया जाता है आई वन, ठीक है ना, इतना पाया जाता है, ये आपका जो है आई वन आई टू की लोकेशन ये होती है। जबकि अगर मैं बात करूं आपकी ऑपरेटर वन एंड ऑपरेटर टू रीजन की, तो याद रख लेना भाई साहब, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सबसे पहले आपका रेगुलेटरी एंजाइम्स, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, ए आर ए सी, ठीक है ना, ये आपका रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन है जहां से आपकी जो है वो प्रोटीन बन रही थी डाइमर के फॉर्म में। इसका जो प्रमोटर है वो पाया जाता है इधर की साइड में, इसका प्रमोटर आपका पाया जाता है इधर की साइड में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटर वन एंड ऑपरेटर टू की लोकेशन जब आप देखोगे, तो ऑपरेटर वन आपका पाया जाता है इस प्रमोटर से डाउनस्ट्रीम साइड में, आपका पाया जाता है। जबकि अगर मैं ऑपरेटर टू की बात करूं, तो ऑपरेटर टू आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये लोकेशन आपकी जो है पाई जाती है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर एक स्पेसिफिकली बात और आती है, ये आपका जो बीच में रीजन छूट गया है, एक्चुअल में ये बाइंडिंग साइट होती है साइक्लिक एएमपी प्लस कैप, ठीक है ना,
कैम, ठीक है ना, प्लस कैम या फिर इसको आप सीआरपी लिखोगे, ठीक है ना, इसको आप सीआरपी लिखने की कोशिश करोगे। अब ये सीआरपी वगैरह क्या होता है, लैप ओप्रोन में मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पर साइक्लिक एएमपी एंड सीआरपी का यूज हम क्यों करते थे। हम सीआरपी एंड आपका जो ये आपके ये क्या काम करते हैं, ये एज ए एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। मैंने आपको बताया था ये किसकी तरह काम करते हैं, ये एज ए एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। एंड ये कब काम करते हैं, जब सेल के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बिल्कुल ही कम हो, तब क्या होगा, साइक्लिक एएमपी का जो आपका फॉर्मेशन है, साइक्लिक एएमपी ज्यादा मात्रा में सेल के अंदर बनेगी। साइक्लिक एएमपी ज्यादा मात्रा में बनेगी तब ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगी, ये सीआरपी से जुड़ करके, सीआरपी से जुड़ करके ये आपका जो है एक एक्टिवेटर, याद रख लेना, एक एक्टिवेटर क्या बना देगी, एक्टिवेटर आपको साइक्लिक एएमपी, ये आपका एएमपी है, ये आपका एएमपी है, ठीक है ना, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बना देगी जो कि काम करती है एज ए एक्टिवेटर, जो कि काम करती है एज ए एक्टिवेटर। तो यहां पर देखो, अब यहां पर जो रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट्स है, रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट्स है वे कौन कौन सी है, एक तो प्रेजेंट है आपकी ये वाली, दूसरी है आपकी ये वाली, तीसरी है आपकी ये वाली, एंड नंबर फोर है आपकी ये वाली, जहां पर ये प्रोटीन, ये जो हमने प्रोटीन बनाई है, यानी कि ये वाली जो प्रोटीन है हमारी अरेबिनोज सी प्रोटीन जो है, ये जा करके बाइंड हो सकती है। एंड इसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि आपका जो है अरेबिनोज, जो आपका अरेबिनोज ओपरोन है वो स्विच ऑन है या फिर आपका स्विच ऑफ है, ठीक है ना। तो चलिए आइए बात करते हैं वन बाय वन कि कब आपका जो है स्विच ऑफ होगा एंड आपका कब स्विच ऑन होगा, ठीक है ना। तो देखो, स्विच ऑफ कंडीशन आपकी क्या होती है, स्विच ऑफ कंडीशन का मतलब, यहाँ पर मैंने आपको लैक ओपरोन में भी बताया था कि भाई साहब स्विच ऑफ का मतलब होता है कि आपके जो जीन है, जीन का जो रेगुलेशन है, सॉरी, जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी ऑपरेंड को स्विच ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ बोला जाता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर क्या है, स्विच ऑफ कब होगा कि मान लो भाई साहब जो अरेबिनोज, हम पहली कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि मान लो आपका अरेबिनोज अब्सेंट है। अगर आपका अरेबिनोज अब्सेंट है तो यहाँ पर क्या होगा स्पेसिफिकली, अब मैं आपके लिए डायरेक्ट जो है यहाँ पर वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ यहाँ पर। अब आपका क्या होगा कि जो आपका डीएनए सेगमेंट है, वो एक्चुअल में लूप की तरह आपका जो है बन जाएगा, वो लूप में चेंज हो जाएगा, यानी कि लूपिंग हो जाएगी। एंड ये जो लूपिंग होती है, ये लूपिंग क्यों हो रही है, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये आपके स्ट्रक्चर जीन है बी ए डी, ठीक है ना, BAD। एंड इसी के पास में आपका प्रमोटर पाया जा रहा है, एंड यहाँ पर आपका आपका I2 एंड I1, ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो है I1, ये आपका I2 एंड ये आपका जो है I1 है, ये आपका I1 है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहीं पर आपका अड़ोस पड़ोस में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर आपका पाया जा रहा है प्रमोटर। प्रमोटर ये किसके लिए है, तो ये है आपका जो ARC, ठीक है ना, जो आपकी रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन को हमने एक्चुअल में क्या बोला है, तो रेगुलेटरी जीन को हमने बोला है ARAC। ARAC यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड इस ARAC के आपको मैंने बताया था कि अप स्ट्रीम साइड में यानी कि यहाँ पर आपका जो है O2 प्रेजेंट है, क्या है, O2 प्रेजेंट है, एंड आपका O1 यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड ये साइट आपको किसकी चमक रही है, ये साइट आपको साइक्लिक एएमपी प्लस आपको जो है सीआरपी की चमक रही है, ठीक है ना, सीआरपी की चमक रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर हुआ भाई साहब ये कि आपका जो आपका अरेबिनोज सी सी रेगुलेटरी एंजाइम्स था, इसने प्रोटीन बनाई, इसने अपनी प्रोटीन बनाई, एंड ये प्रोटीन आपको पता है डाइमेरिक फॉर्म में बनेगी। तो यहाँ पर जो ये प्रोटीन बनी, एक्चुअल में ये प्रोटीन एक एक प्रोटीन का भाग तो जुड़ गया जो डाइमर है, एक एक ने बना लिया आपका O2 के साथ रिएक्शन, दूसरे ने कर ली आपकी जो है I1 के साथ रिएक्शन, दूसरे ने कर ली I1 के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन इन इन दोनों ने कर ली, ठीक है ना। जो आपका रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन से जो प्रोटीन बनी यहाँ पर, ये डाइमेरिक फॉर्म में बनी, एंड ये जो डाइमेरिक फॉर्म में जो प्रोटीन बनी यहाँ पर जो है आपका जो है वो O2 एंड I1 के बीच में जो है आपस में बाइंडिंग होगी, आपस में यहाँ पर बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के कारण ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपकी लूपिंग सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर आपकी लूपिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपकी एक लूप बन गई। एंड जब गाइस ये आपकी लूप बन जाती है, तब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जब आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आपका प्रोमोटर से आकर के नहीं जुड़ पाता, क्योंकि उसको जो है लोकेशन ही नहीं मिल पाती प्रोमोटर की, चूंकि जो अरेबिनोज सी प्रोटीन है ये जो है मास्क कर लेती है, ये जो है प्रोमोटर रीजन को मास्क कर लेती है, इसलिए जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड ही नहीं होगा। एंड जब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड नहीं होगा तो आपको कोई भी ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगी। इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो है ये मॉडल आपका जो अरेबिनोज है वो आपका स्विच ऑफ है। एंड ये कब हो रहा है, जब आपकी अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं था, जब आपका अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं था, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम जीन ऑफ, यानी कि इसको हम जीन ऑफ भी बोल सकते हैं, एंड हम बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी आपका ऑफ है, एक्सप्रेशन भी आपका ऑफ है। तो ये कंडीशन थी जब आपका अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं था, जब आपका अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं था। चलिए आइए अब बात करते हैं जब आपका अरेबिनोज प्रेजेंट होता है, जब आपका अरेबिनोज प्रेजेंट होता है उस कंडीशन में हम बात करते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए अब थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, जिससे कि आपकी जो है समझ में भी आ जाए एंड मेरा भी काम हो जाए, ठीक है ना, मेरा भी काम हो जाए, मुझे दूसरे पेज पे ना जाना पड़े। तो आपने देखा अभी तक क्या हो रहा था कि एक प्रोटीन आपकी ये थी, दूसरी प्रोटीन आपकी ये थी, यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये आपका I1 था, ये I1 था, एंड ये लोकेशन आपकी C2 थी, यहाँ पर आपके अदर जीन पाए जाते हैं, यहाँ पर आपका जो है I2 था, I2 था, एंड यहाँ पर ये आपका प्रमोटर पाए जाते हैं, एंड यहाँ पर इधर आपके स्ट्रक्चरल जीन थे, ठीक है ना, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन थे। अब यहाँ पर ये इस कंडीशन में थी, तो अब क्या हुआ कि मीडिया के अंदर जो सॉरी जो आपका इकोलाई है, इकोलाई के अंदर आपका जो है अरेबिनोज ने परमिएज की सहायता से एंट्री ले ली, एंट्री कर ली, ठीक है ना। यानी कि मीडिया के अंदर जैसे ही अरेबिनोज आया, अरेबिनोज को इकोलाई ने जो है अपने अंदर ले लिया, अरेबिनोज ने सॉरी इकोलाई ने अरेबिनोज को अपने अंदर ले लिया। तो जैसे ही अरेबिनोज आएगा, जैसे ही अरेबिनोज आएगा, अब ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये आपकी डाइमर प्रोटीन है, जो आपकी अरेबिनोज सी प्रोटीन है, अरेबिनोज सी प्रोटीन है, यहाँ पर जो है ये जो डाइमर है, इस डाइमर के पास अरेबिनोज की बाइंडिंग साइट होती है, इस अरेबिनोज की बाइंडिंग साइट्स होती है, ठीक है ना, ये आपके जो है बाइंडिंग साइट्स इसके अंदर पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर इसमें जो है बाइंडिंग साइट्स बता रहा हूँ, तो ये बाइंडिंग साइट्स आकर के यहाँ पर जुड़ जाती है, ये बाइंडिंग साइट्स आकर के यहाँ पर जुड़ जाती है। जैसे ही अरेबिनोज आया, जैसे ही आपका अरेबिनोज आया, तो अरेबिनोज आतो के साथ क्या होगा कि आपका जो है वो अरेबिनोज सी प्रोटीन से आकर के जुड़ जाएगा, अरेबिनोज सी प्रोटीन से आकर के जुड़ जाएगा। एंड जैसे ही ये जुड़ेगा, जैसे ही ये आपका जुड़ेगा, तो जो C2 से ये बाइंडिंग हो रखा था, ये C2 से बाइंड होगा, बाइंड हो रखा था, ये अब यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। एंड जब ये हटेगा
तो ये जो लूपिंग सिस्टम था वो अब आपका सीधा हो जाएगा, वो अब आपका सीधा हो जाएगा। एंड ये जो प्रोटीन है डाइमर की, ये अब आई टू के ऊपर आ जाएगी, ये अब आपकी आई टू के ऊपर आ जाएगी, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये आपके जो है यहाँ पर डी, यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर आपका बी, ठीक है ना, इसके बाद आपका प्रमोटर पाया जाता है, देन आपका जो है आई टू होता है, आई टू होता है, देन आपका आई वन होता है, कुछ स्पेस आपका फ्री होता है जिसको हम साइक्लिक एएमपी सीआरपी बाइंडिंग साइट्स बोल देते हैं, फिर इसके बाद आपका जो है वो ऑपरेटर फर्स्ट पाया जाता है, फिर आपका प्रमोटर पाया जाता है, ये प्रमोटर आपका रहता है ए आर ए सी जीन के लिए, ए आर ए सी जीन के लिए, देन आपका ओ टू पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओ टू उसका जो है ओ टू इस प्रोटीन से हट गया है, यानी कि डिसोसिएशन हुआ है। लेकिन ये जो प्रोटीन है, ये जो आपकी प्रोटीन है, ये एक्चुअल में अभी भी लगी हुई रहती है, ये एक्चुअल में अभी भी लगी हुई रहती है आई वन से, यहाँ पर ये यहाँ पर आई वन से लगी हुई रहती है। एंड ये जो आपकी दूसरी प्रोटीन है, ये भी थोड़ी सी आपकी स्लाइड हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, एंड ये आपकी इस प्रकार से आई टू पे आकर के बाइंड हो जाती है, ये आपकी इस प्रकार से आई टू पर आकर के बाइंड हो जाती है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको बाइंड करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी जो है बाइंड हो जाती है इस प्रकार से आकर के, एंड यहाँ पर आपका जो है अरेबिनोज लगा हुआ था, ये अरेबिनोज की साइट्स है, ये आपकी साइट्स है। अब जैसे ही यहाँ पर आकर के ये बाइंड होती है, तो जो प्रमोटर रीजन है, जो आपका प्रमोटर रीजन है, वो एक्चुअल में फ्री हो जाता है, वो एक्चुअल में फ्री हो जाता है। एंड फ्री होने के बाद यहाँ पर अब आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, एंड आने के बाद जुड़ेगा, जुड़ने के बाद जो है वो प्रोटीन के ट्रांसक्राइब कराएगा, जिससे आपको जो है वो जीन मिलेंगे। यहाँ पर आपको तीन जीन स्पेसिफिकली मिलने वाले हैं, जो कि एल अरेबिनोज को कन्वर्ट कर देंगे आपका डी जाइलोलोज में, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट करेंगे, डी जाइलोलोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, ये आपका एचएमपी पाथवे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं जीन ऑन, ठीक है ना, जीन ऑन बोलो, एक्सप्रेशन ऑन बोलो, या फिर आप स्विच ऑन भी बोल सकते हो, इसको आप स्विच ऑन भी बोल सकते हो, ये आपका स्विच ऑन कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर और क्या हो रहा है, तो और देखने की कोशिश करो कि भाई साहब मैंने आपको बताया था कि अरेबिनोज ओपरोन अगर प्रेजेंट है, अरेबिनोज आया है, तो अरेबिनोज कब काम करेगा, जब ग्लूकोज कम होगा, जब आपका ग्लूकोज कम होगा, एंड जब ग्लूकोज कम होगा तो जो आपका साइक्लिक एएमपी, याद रख लेना, साइक्लिक एएमपी जो है, साइक्लिक एएमपी बनेगा, ये आपका सीआरपी से जा करके जुड़ेगा, एंड दोनों जो है दोनों एज ए एक्टिवेटर काम करेंगे, एंड ये यहाँ पर आकर के लग जाएंगे, एंड जो आपका जो है प्रमोटर है उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर में कन्वर्ट कर देंगे, उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर में कन्वर्ट आपका ये कर देंगे। तो यहां तक दोस्तों आपका था कि किस प्रकार से आपका अरेबिनोज ओपरोन स्टार्ट होता है, क्या इसके फंक्शन है, यहाँ पर देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है ना, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आई होप गाइज आपको अरेबिनोज पाथवे या फिर अरेबिनोज ओपरोन समझ में आया होगा, इसकी मैकेनिज्म समझ में आपको आई होगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ तक देखो, यहाँ तक मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको जो प्रोकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन था वो अब आपका समाप्त हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका बचता है यूकैरियोटिक्स के लिए, ठीक है ना, यूकैरियोटिक्स में आपका बचता है जीन रेगुलेशन, जहां पर हम क्रोमोसोम्स मॉडलिंग, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, बट दोबारा से मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, दोबारा से उसके लिए मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा, उसकी सही से पीडीएफ वगैरह बना करके लेकर आऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्रोमोसोम पे किस प्रकार से एसिटाइलेशन, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है, क्रोमेटिन की रिमॉडलिंग किस प्रकार से होती है। तो अराउंड आपके 5 से 6 लेक्चर जाएंगे, ठीक है ना, 5 से 6 लेक्चर जाएंगे। एंड गाइज ये लेक्चर आपको जो है एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन मिलेंगे, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4,
कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्नलिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे ही सिग्नलिंग पढ़ेंगे उसके बाद हम कैंसर पढ़ेंगे, कैंसर के बाद हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी, एंड इम्यूनोलॉजी के बाद हम सेल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, सेल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। यानी कि यूनिट नंबर 4 हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड गाइज एक बात और, आप लाइव क्लास जरूर देखो, क्योंकि लाइव क्लास में मैं आपको मेटाबॉलिज्म पार्ट करवा रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है आपकी, एंड इस मेटाबॉलिज्म में से आप ये समझो कि आपके अराउंड अराउंड बता रहा हूँ आपको 16 से 18 नंबर मिलेंगे, 16 से 18 नंबर मेटाबॉलिज्म में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक्स की मेटाबॉलिज्म, यूकैरियोटिक्स की मेटाबॉलिज्म, यूकैरियोटिक्स में एनिमल में कौन सी मेटाबॉलिज्म होती है कौन कौन सी, एंड आपका जो है प्लांट, ठीक है ना, एनिमल में कौन सी होती है एंड प्लांट में मेटाबॉलिज्म कौन सी होती है, यानी कि आपको वन बाई वन हर एक प्रोसेस लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ पोर्शन आपको प्लांट का देखने को मिलेगा, कुछ आपको एनिमल का देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक्स की बात करेंगे, यानी कि सारी की सारी मेटाबॉलिज्म हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड गाइस शेयर करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।